हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से संबंधित जानकारी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टू इन स्विच है, जिसमें एक स्विच और सॉकेट सेट है, और साथ ही साथ है हमारे पास एक फ्यूज़, इंडिकेटर और एक स्विच है। इसका एक मार्किंग कैसे करते हैं इस बोर्ड में देखेंगे, और कटिंग वटिंग करके आपको एक कनेक्शन दिखाते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाला जो भाग है, इसी का हम मार्किंग करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे फ्यूज़ में भी जो ऊपर का ये भाग है, सॉकेट वॉकेट सभी में ये ऊपर का भाग रहता है, उसी को मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये टू इन सेट है जो, उस सेट का हम मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं। इस तरह से आपको बोर्ड में सबसे पहले रख लेना है। रखने के बाद ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है इतना, और ऐसे इस तरह से उठा हुआ भाग के मार्किंग कर देते हैं ये जो है, और इतना ही हमें मार्किंग करना है, ये इस लेवल में लेना है। तो इसी प्रकार इस साइड में भी स्केल की मदद से आपको नाप लेना है। इस नापने से ये होगा फ्रेंड्स कि हमारा जो कटिंग होगा वो एकदम बराबर होगा। इस तरह से मार्किंग कर लेना है आपको, इस साइड भी इसी तरह छोटा छोटा मार्किंग कर लेंगे, और ये दोनों मार्किंग को आपस में इस तरह से मिला देते हैं। ऊपर वाले मार्किंग को भी आपस में इसी तरह से मिला लेंगे। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम जो हमारा सेट है, ये ट्विन सेट, इसका हम बीच में रख देते हैं इस प्रकार से, और रखने के बाद हम साइड से भी मार्किंग कर लेते हैं। ये साइड से एक छोटा सा नीचे मार्किंग कर लेंगे, यहाँ से नीचे हमारा यहाँ तक आता है। तो ये क्योंकि कि हमारा बोर्ड जो सेट कटिंग होगा, ये सीट कटिंग होगा, इतना ही कटेगा, इसलिए हम ये और नीचे भी इसी तरह से एक छोटा सा मार्किंग कर लेते हैं। ये सीट यहाँ तक ही कटिंग होगा, इसके कारण इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं, और ये ऊपर में भी मार्किंग इस तरह से आपको कर लेना है। अब ये जो छोटा छोटा ये जो पॉइंट है, इसमें आपस में इस तरह मिला देते हैं मार्किंग को, एक लंबा मार्किंग कर देंगे। ये भी मार्किंग को आपस में मिला देते हैं। ये हमारा हो गया। इसी प्रकार हम फ्यूज़, इंडिकेटर और स्विच, ये सभी का भी मार्किंग करेंगे। तो हम फ्यूज़ से इस तरह से आपको मार्किंग एक ले लेते हैं, ऊपर में इस तरह से और नीचे में इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। दोस्तों, इस वीडियो में क्यों मैं आपको मार्किंग बताऊंगा कि स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर इसका मार्किंग कैसे करते हैं। इससे पहले कटिंग वटिंग का बारे में दो तीन वीडियो है मेरे पास, आप देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मेरा मेन मकसद है आपका मार्किंग, स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर जो भी है इसका मार्किंग कैसे करते हैं। मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कटिंग आप एक बार सीखने के बाद कटिंग कर सकते हैं, मार्किंग आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा हमारा बोर्ड जो है सही तरह से कटे। इसके लिए मार्किंग अच्छी तरह से मार्किंग करना पड़ता है, मापना पड़ता है बोर्ड को। तो इस तरह से आपको रख लेना है। फिर आप इसी तरह फ्यूज़ बीचों बीच रख लेंगे, और इंडिकेटर को भी इसी तरह से बीचों बीच आपको रख लेना है। और ये स्विच जो है, स्विच को इस साइड में हम रख देते हैं इस तरह से। अब सभी को मार्किंग कर देते हैं जिस प्रकार से हम, ये नीचे इसका भी, ये इस साइड और ये साइड, दोनों साइड्स का मार्किंग लेते हैं। ऊपर से भी इसी तरह से मार्किंग ले लेते हैं। ये हो गया, ऊपर में हो गया। तो अब हमारा ये आपस में सभी मार्किंग को मिला देते हैं। ये फ्यूज़ और इंडिकेटर का मार्किंग है, यहाँ से यहाँ तक। ये सिंगल फ्यूज, ये सिंगल स्विच जो है इसका मार्किंग है, यहाँ से यहाँ तक आपस में जो मार्किंग है उसमें मिला देते हैं। अब ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब जिस ये जो जो भाग है, ये कटिंग होगा ये वाला और ये वाला, और नीचे का ये तीनों भाग कटिंग हो जाएगा। तो इतना हम कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि पहले भी मैं वीडियो में कटिंग वटिंग बता दिया हूँ, डायरेक्ट आपको कटिंग वटिंग करके सेट करा कर दिखाते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कटिंग वटिंग करके बेड को सेट करके दिखा रहा हूँ। अब इसका डायरेक्ट वायरिंग करना सिखाऊंगा कि वायरिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो वायरिंग हम फ्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, फ्यूज़, इंडिकेटर, स्विच सभी में इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले इसको बोर्ड को हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम फ्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फ्यूज़ है और इसका मेन, ये हमारा आउटपुट है। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेड वायर जो हमारे फेस का कनेक्शन करेंगे, जो फ्यूज़ में कनेक्शन होता है फेस का कनेक्शन होता है, तो ये मेन वायर का हमारा कनेक्शन होगा। और फ्यूज़ का आउटपुट, ये नीचे वाला आउटपुट है, इसमें इंडिकेटर,
और फ्यूज दोनों स्विच में देंगे। तो यहाँ से हम एक छोटा सा लूप लेकर हम फेस का कनेक्शन जो है इंडिकेटर में, उसके बाद दोनों स्विच में करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर में एक छोटा सा डायरेक्ट हम फेस का कनेक्शन कर देते हैं। उसको एक यहाँ से फेस हमारा स्विच में देना है। ये स्विच फ्रेंड्स हम एक लाइटिंग के लिए देना है, एक लाइट हमारा बल्ब जलाना है इसके लिए। ये बोर्ड हम किचन के लिए बना रहे हैं, जिससे किचन हीटर के लिए ये बोर्ड बनाया जा रहा है। तो इसमें हम ये हमारा लाइटिंग के लिए एक बल्ब है, उसके लिए ये स्विच है। तो यहाँ से हम इसको इसमें फेस का कनेक्शन कर देते हैं। और ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसमें हम जो बल्ब का हमारा ये वायर आएगा, इसमें ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्शन कर देंगे। अब हमारा यहाँ से इसमें एक फेस का कनेक्शन करना है। तो हम स्विच फ्यूज से निकाल कर हम ये स्विच में, ये स्विच जो है इसमें हम एक फेस का कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ से हमारा जो एक वायर निकलेगा और हमारा स्विच में चला जाएगा, और स्विच से निकल कर हमारा एक ये स्विच है, स्विच से निकल कर हमारे सॉकेट में ये जो वायर है सॉकेट में चला जाएगा। यहाँ एल ये लाइन है, सॉकेट का लाइन है, ये न्यूट्रल है, आपको अच्छा से दिख नहीं रहा, अगर ये हाँ ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, और ऊपर अर्थिंग के लिए ये है पॉइंट है। तो हम यहाँ से एक छोटा सा लूप दे देते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमारा इस स्विच में ऊपर वाले भाग से इसका फिर नीचे में सॉकेट का नीचे वाले इसमें एल में लाइन वाले पॉइंट में कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद एक पॉइंट जो बच गया ये हमारा न्यूट्रल का, ये जो पॉइंट बचा ये न्यूट्रल का पॉइंट है, और हमारा इंडिकेटर और ये इस पॉइंट में और इंडिकेटर में, ये पॉइंट और इंडिकेटर में हम डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे। तो न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वायर का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें एक न्यूट्रल यहाँ देना है, तो एक वायर को यहाँ से हम डायरेक्ट इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस को दे देना है। तो यहाँ से न्यूट्रल हम इंडिकेटर में दे देते हैं। ये मेन हो गया हमारा, ये जो है मेन न्यूट्रल कंप्लीट हो गया। ये मेन फेस यहाँ से इसमें सभी स्विच में चला गया फेस, और यहाँ न्यूट्रल है हमारा। फ्रेंड्स आपको ये बताना भूल गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्विच का कनेक्शन है, एक पॉइंट खाली है, इसमें हम बल्ब का कनेक्शन करेंगे। जब हम किचन में बल्ब है उसका एक पॉइंट जो है यहाँ पर, और एक पॉइंट जो है न्यूट्रल में डायरेक्ट चला जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ्यूज को देख लेना है, फ्यूज हमारा लगा हुआ है कि नहीं, फ्यूज सही है। अब इसमें हम न्यूट्रल फेस देख के एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब चेक करने के बाद देखते हैं इंडिकेशन हमारा जल रहा है। अब इसको हम चलिए दोस्तों इस बोर्ड को सेट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरा बैड लक है कि यहाँ पार काटा हुआ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बल्ब का कनेक्शन का जो है पॉइंट, एक पॉइंट लगा दिया और एक पॉइंट जो ऊपर में हमारा न्यूट्रल लगा दिया है, और यहाँ फेस का कनेक्शन और न्यूट्रल का कनेक्शन इस बोर्ड का कर दिया हूँ, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद इस बोर्ड को कस देते हैं। कसने के बाद आपका एक बार पावर तो है नहीं फ्रेंड्स, मगर आपको दिखाते हैं, बोर्ड को कस दिया है। उसके बाद ये स्विच आपको तो चेक करके दिखा नहीं सकता फ्रेंड्स, अफसोस की बात है, मगर आप देख सकते हैं इस तरह से आप बोर्ड, ये हीटर का बोर्ड मैं बनाया हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर से नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय दोस्तों।